नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी कर दी है। विश्व जनसंख्या दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता जताई गई कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। पिछले 4 दशकों से इसकी कई बार चर्चा हुई। जिन देशों राज्यों ने इसके लिए कोशिश की वहां सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिले। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया गया। बता दें कि 2021-2030 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की आपको बता दें कि इसको लेकर अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और साथ में सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने और साथ में नपुंसकता बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या में स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही इस नीति का उद्देश्य 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी होगा। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा का एक बड़ा कारक है। इसी वजह से समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000 से 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति की समय की जो मांग है। प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरीके से ये वक्त की जरूरत है और हमें जनसंख्या नियंत्रण जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है क्योंकि विकास में बाधा जनसंख्या बनती है, अशिक्षा का एक बड़ा कारक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वक्त की जरूरत है और ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि इसको लेकर अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं देखने को मिल रही हैं। आपको यह भी बताते चले कि विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात कह रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उनमें से सीधी बात अगर हम करें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद ने बड़ा हमला किया है योगी सरकार पर, उन्होंने कहा कि योगी मोदी और मोहन भागवत के तो बच्चे हैं ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार बच्चों का सुख क्या होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसको लेकर और भी कई तरह के दावे किए, कई तरह की बातें उन्होंने कही। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लगातार ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जनसंख्या की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ती नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर सरकारें अलग अलग तरह के स्तर पर अलग अलग तरह के अभियान चलाती है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। लेकिन बढ़ती जनसंख्या को लेकर लगातार जिस तरह के प्रयास किए गए, कुछ सफलताएं मिली तो कई जगहों पर इसको लेकर कोई खास सफलता नहीं मिली। आज भी अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो कि मुख्तार अब्बास नकवी है, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कानून बना रही है, उसको लेकर जो कदम उठा रही है, जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले
कांग्रेस सरकार ने भी कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश नाकाफी थी, वो कामयाब नहीं हो पाई। और ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पर कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि तमाम लोगों को, अंतिम पायदान पर खड़े हर शख्स को विकास की तमाम रफ्तार मिल सके और उन्हें तमाम सुख सुविधाएं मिल सकें जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इन तमाम स्थितियों के बीच में लगातार पूरे देश की अगर हम बात करें तो जनसंख्या को लेकर कानून की मांग उठती रही है। लंबे वक्त से लगातार कानून को लेकर मांग उठती रही है लेकिन एक धड़ा देश का ऐसा है जो इसका विरोधी रहा है। और सीधे तौर पर अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर कई बार इन तरह के तमाम मुद्दों को लेकर हमला कर चुके हैं। आपको बता दें कि असम में इसको लेकर कानून बन चुका है, वहां पर अलग तरह की स्थिति है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा और विकास में बाधा बनती है जनसंख्या और इसको लेकर अब ये वक्त की जरूरत है और ऐसे में हमें कदम उठाने की जरूरत है। आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जागरूक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्रित तौर पर लोगों को जागरूक करना होगा ताकि जनसंख्या को कंट्रोल में किया जा सके। आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर ये कदम उठाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। साथ में पूरे देश की हम बात करें तो बाकी राज्यों में और कई देशों की हम बात करें बाकी देशों में जब जब इस तरह के कदम उठाए गए हैं तो वहां पर इसके सकारात्मक कदम देखने को मिले हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों की अगर हम बात करें देश के राज्यों की तो जहां जहां पर इस तरह के कदम उठाए गए हैं उसका असर देखने को मिला है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अब कदम उठाने की जरूरत है ताकि इसके कुछ सकारात्मक असर देखने को मिले। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एज उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी कर दी है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता जताई गई कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। पिछले चार दशकों से इसकी कई बार चर्चा हुई। जिन देशों राज्यों ने इसके लिए कोशिश की वहां पर सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। बता दें कि 2021-2030 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और असुरक्षित सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर और इसके साथ ही मातृ यानी कि माता का जो मृत्यु दर है उसको कम करने की कोशिश होगी। नपुंसकता बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। कई तरह की चुनौतियां हैं उनको लेकर कदम उठाने की बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं प्रदीप भटनागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। भटनागर साहब, सबसे पहला कमेंट इसी बात को लेकर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है इसको लेकर नीति बनाने की बात कही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये कदम अगर पहले और जो सरकारें प्रदेश के अंदर रही अगर चिंता करती और चिंता व्यक्त करती तो कहीं प्रदेश के विकास के लिए, उन्नति के लिए और भी कुछ सुविधाओं के लिए बड़ा लाभदायक रहता और प्रदेश के देश के विभिन्न जो राज्य हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलती। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो हमारे यहाँ लाया जा रहा, अधिनियम लाया जा रहा है, उसके लिए भी प्रदेश की बहुत चीज देखी जा रही है। विपक्ष विषय को उंगली उठा रहा है, चीजें कह रहा है मगर वो काम नहीं किया। वो चुनाव से जोड़ के हर बात करते हैं और हम चुनाव नहीं, हम देश से और प्रदेश से जोड़ के हर बात करते हैं। बस सोच की एक क्षमता ये है बस कि प्रदेश का विकास, प्रदेश की जनता का विकास, उसकी उन्नति का विकास, उसके लिए काम जो चीजें हैं प्रदेश की सरकार का वो काम करने का एक प्रथम पंक्ति में आगे कार्य है। लेकिन भटनागर साहब, क्योंकि सभी इस बात को समझते हैं कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए घातक है, विकास के लिए घातक है, लेकिन विपक्ष की जब बात आती है तो विपक्ष आखिरकार इसको लेकर सही तरीके से सकारात्मक रुख क्यों नहीं दिखाता, क्या नजर आता है आपको? मैं देखिए बेस पे कहूंगा कि ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो बना हुआ है हमारे भारत के अंदर हर चीजों का विरोध करता है, हर चीज के लिए उंगली उठाता है। और आपने देखा, हमने सीए और एनआरसी को भी देखा, हमने चीजों को, क्योंकि जो भारत के लिए, प्रदेश के लिए कानून बनने और बनाने चाहिए और जिनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें नहीं मिलता है,
उसको अगर विकसित अगर प्रदेश सरकार एक उठा रही है तो उसका साथ देना चाहिए। देखिए मैं भी एक नेता हूँ और मैं भी राजनीति करता हूँ, हर चीज जो प्रदेश की जो सरकार अमल कराना चाहती है वो मुझ पर भी निर्भर करता है क्योंकि मैं भी प्रदेश का नागरिक हूँ, मगर किसी चीज को दृष्टिकोण से अलग तरीके से देखना वो ठीक नहीं है ना। लेकिन सर क्या लग रहा है कि कानून थोड़े सख्त बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि दो बच्चों से ज्यादा अगर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले, उनको सरकारी नौकरियों में उनको जो इस तरीके की कोई कोशिश हो कि उन्होंने पीछे उनको रखा जाए, या फिर चुनाव लड़ने को लेकर ग्राम पंचायत के स्तर पर हम देखें इससे लोगों में जागरूकता भी आएगी। क्या लग रहा है कि ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, असम से हमें सीखने की जरूरत है? नहीं बिल्कुल, देखिए असम ने बहुत कठोरता से चीजें उठाई और विरोध भी झेला, प्रदेश ने भी एक पैराग्राफ तैयार करा और उसे वाकई में डाउनलोड करा, उसे नेट पे आज की डेट में पूरा भारतवर्ष आजकल इंटरनेट वाला मोबाइल यूज करता है और पैराग्राफ को पढ़ने के लिए उस चीज को जो हमने डाउनलोड की है उसे पढ़े और अपने जो चीजें उसमें अगर लगता है कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं उसको उसके लिए इसके विषय में हमने दे रखा उसमें ब्लॉग भी कि आप उसमें अपनी चीजें लिखें कि इसमें क्या कुछ चेंजेस की जा सकती है, क्योंकि जनता का हित जरूरी है और नियंत्रण पे भी जनता ने ही इस चीज को उठाया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के वजह से, चैनल के विषय से, मोबाइल के विषय से, फेसबुक से, इंटरनेट से, हर चीज से, उस चीज पे देखिए सरकार ने आगे लाने के लिए काम किया और बाकी में जो कानूनों में जो चीजें बनाई गई है सुविधा को लेके उसमें कटौती बनाई गई है, अगर दो से ज्यादा अगर किसी के बच्चे हैं तो उसको बहुत चीजों से वंचित रखा जाएगा और यह भी रखा कि इसके चार अगर बच्चे ज्यादा हैं तो राशन कार्ड में भी केवल उसके चार जनों का ही चार लोगों का ही उसमें नाम आएगा, उन चीजों का है क्यों आज समय है इसको कंट्रोल लाने का, नहीं तो एक दिन भारत के अंदर इतना बड़ा विस्फोट होगा कि हम लोग कहीं संभाल नहीं पाएंगे, खाने को रोटी नहीं होगी और आगजनी और डकैतियां चोरियां बहन बेटियों घर से निकलना बाहर दूभर हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आज हम उन चीजों को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं कि आधी रात को एक IT कंपनी के किसी अधिकारी को लूट ले जाता है, ये नहीं पता लगता है कि कहां चला गया, वो बेचारा घर से अपनी बात करता है बीवी से और पता लगता है घंटे बर्बाद की वो तो उसकी हत्या हो गई है। तो इस चीज को लेके अगर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने भारत के बच्चों को उनको की जो कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं बढ़ती जनसंख्या से। हमारे साथ लखपत बटोला साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANP न्यूज पर। सर पहला कमेंट इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है, उसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं आज कदम भी इसको लेकर उठाए गए? से जो सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट बनाया काफी समय से इस पे बातचीत चल रही थी जी, लेकिन हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो चुनाव के चार महीने पहले जो चीजें ली जा रही हैं, पांच महीने पहले ली जा रही हैं, सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति की होती, दो तिहाई से ज्यादा बहुमत इस सरकार के पास था, जनता ने अपना बहुत भरोसा दिखाया था, ये अगर ये 3-4 साल पहले लेते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता, हम स्वागत करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन आज 65-66 करोड़ के बीच के आसपास की मानी जा रही है, भौगोलिक क्षेत्रफल में इस देश के कई राज्यों से छोटा, अब आप राजस्थान को लगाओ 23 करोड़ जी, लगभग 25 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन जो नहीं उसमें आया है उसमें आया है। मैं आपसे एक बात, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, इन लोगों का भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा होने के बावजूद भी, महाराष्ट्र का, उसके बावजूद भी पॉपुलेशन इसकी 1/4 है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो गए पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और अच्छा लिया देश के अंदर भी हो ज्यादा अच्छा, क्योंकि देश के अंदर भी इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई मना तो कर नहीं रहा, लेकिन चुनाव स्टैंड करना केवल चुनाव, क्योंकि 4-4.5 साल कुछ काम नहीं किया सरकार ने, सरकार केवल और केवल अपने मंत्री संतरियों के घर पढ़ने में लगी, भ्रष्टाचार में लिप्त रही सरकार, तो अब केवल और केवल एक चुनावी जुमला ना हो ये क्योंकि भाजपा का नजरिया रहा है, भाजपा की सोच रही है कि केवल एक चुनावी जुमला है तो और उसके बाद पे काम नहीं करना है, यदि वास्तव में सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस कानून को लाती है और लागू करवाती है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन केवल चुनावी महज चुनाव स्टैंड हो तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे आगे बढ़ने की प्रयास करेगी। ठीक है सर, भटनागर जी मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूँ, आपने तमाम बातें बटोला साहब की सुनी, इसमें एक समाजवादी पार्टी के जो सांसद है संभल से वक्त साहब, डॉक्टर वक्त साहब, उनका मैं रुख करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप कोई भी कानून बना लें, योगी मोदी और मोहन भागवत के तो बच्चे हैं ही नहीं, उन्हें तो बच्चों का सुख मिला ही नहीं है, और अल्लाह ने जो जिसको जहां पर नजीर किया है, जहां पर जिसको पैदा किया है वो तो होना ही है, चाहे कोई कितने भी कानून बना दे, इस तरह के जो बयान है सर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए अल्लाह मियां ने उन्हें रहमत दी है कि वो 1 से 4 बीवी रख सकते हैं, वो उन पर रहमत है,
ठीक है वो बोल सकते हैं, उनका अपना निजी बयान है, मगर अगर आदरणीय मोहन भागवत जी की बात करें तो उन्हें थोड़ा सा बोलना चाहिए कि अगर आप उंगली उठाते कि नहीं उठाते, उनका तो तन समर्पित, मन समर्पित और शरीर समर्पित देश हित के लिए है। अगर वो ये चीजें सोचते होते तो आज वो भारतवर्ष में जैसे भटकते फिरते हैं, बोलते फिरते हैं हर चीज जागरूकता के लिए, वो चीज नहीं होता। कि देखिए वो अल्लामिया की देन तो कहते हैं, मगर ये नहीं बताते कि खिलाया कैसे जाएगा, शिक्षित कैसे किया जाएगा, उस पर बात नहीं करते हैं, पढ़ाया कैसे जाएगा उस पर बात नहीं करते हैं। अगर ऐसे लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आके और मुस्लिमों की बात तो करते हैं मगर उनके विकसित और विकास, उनकी शिक्षा की बात नहीं करते हैं। ठीक है भटनागर जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है भटनागर जी, मैं सीधा रुख आपका करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भटनागर जी एक बार फिर से रुख में आप ही का करना चाहूंगा, अपना कमेंट पूरा करें, साथ में एक सवाल ये भी होगा कि हम कांग्रेस की बात करें या फिर सपा की हम बात करें या फिर AIMIM की हम बात करें, लगातार जब आसाम में कानून बन रहे थे उस टाइम पे उन्होंने बहुत हमले किए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग जानबूझकर एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय को। देखिए कहने वाले का मुंह तो पकड़ा जा नहीं सकता, हमने हजारों और बहुत से सुनी है बड़े बड़े मौलानाओं की बातें और हमने इनकी भी सुनी नेताओं की, कि ये कहते हैं कि भारत वर्ष को अगर आपको जीतना है तो अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये किसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी ये स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि जो मुस्लिम की बात करते हैं वो देश की बात नहीं करते, जो देश की बात करते हैं वो सर्वधर्म की बात नहीं करते, जो सर्वधर्म की बात करते हैं वो देश हित में नहीं जाते। तो इस चीजों की सोचने की मेंटलिटी है। आप क्या कहते हैं कि 40% मुसलमान हो जाएगा तो हमारा प्रधानमंत्री बैठेगा, और देश का प्रधानमंत्री जो बैठा है जो सबके विषय में सोचता है अच्छे और बुरे के बारे में, वो नहीं बोलते हैं। आप मुसलमानों की बात करते, हिंदुओं की बात नहीं करते, सिखों की बात नहीं करते, जैन और बौद्धों की बात नहीं करते, वो दुश्मन है आपके। तो राजनीतिकरण क्या है कि उनका केवल एक चीज लेके, मगर भाजपा की सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे वो हमारे भारतवर्ष के अंदर हो, वो देश की बात करती है, देश की जनता की बात करती है, 130-135 करोड़ जनता की बात करती है। जैसे अभी बैठे कांग्रेस के नेता बोले कि ये लिप्त सरकार जो है भ्रष्टाचार के अंदर, मगर ये भ्रष्टाचार बता नहीं पाएंगे, क्योंकि क्यों भ्रष्टाचार में खुद चले गए, इनका बोरिया बिस्तरा बन गया, उस विषय में नहीं बताएंगे ये लोग। अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में आपने सवाल करे तो बटोला जी गोल कर गए बात को कि चुनाव आ रहा है तो ला रहे। अरे भाई अगर चुनाव की बात होती हम लाते क्यों, चुनाव की परवाह नहीं करी है हमने, प्रदेश के हित की उसके विकास की बात करी है, तभी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और पास भी करवाएंगे, करेंगे भी। पहली चीज, अगर ये लालच होता चुनाव का तो हम भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की तरह चुपचाप अपना 5 साल का शासन पूरा करते और अपना एक बहुत सी बुकलेट छपवाते और उसमें जो भी झूठी सच्ची बातें भरते और जनता के बीच पहुंच जाते, मगर नहीं, भारतीय जनता पार्टी है ये सब काम नहीं करती है और ना ही सीखा है। अगर करती होती तो 17-18 वर्ष उत्तर प्रदेश में जो वनवास झेला है राजनीतिक कुर्सी से वो नहीं होता। ठीक है, हम भी बसपा और सपा की सरकार की तरह गोलमोल झूठ बोल के सत्ता का सुख भोगने के लिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल बटोला साहब, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, समझने की कोशिश ये करूंगा कि विपक्ष को होने के नाते आप जरूर सवाल उठा रहे हैं, अभी तो नीति है, कानून बनने की बात है, ड्राफ्ट अगस्त तक सामने आएगा, ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि विकास में बाधा बनती है, लगातार बढ़ती है जनसंख्या, और इतना ही नहीं कानून व्यवस्था की बात करें अशिक्षा का कारण बनती है, और इसके साथ साथ लगातार लोगों के पास रोजगार की जो कमी होती है उनका एक बड़ी वजह होती है लगातार बढ़ती है जनसंख्या, क्या लग रहा है कि किस तरह के कदम उठाने की सरकारों को जरूरत है? जी भटनागर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमने कानून का विरोध नहीं किया है, ये जो हिंदू मुस्लिम एंगल ला रहे हमने ना उस पे बात की सर, कांग्रेस ला चुकी है सर ये काम, कांग्रेस आसाम में कर चुकी है, कांग्रेस ने ये कहा कि आप लोग जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए जी सर, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने असम में नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा NRC का जो ड्राफ्ट है सुन लीजिए, उसमें जो खामियां और विसंगतियां, हमने कहा प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री तो नहीं दिखा पा रहे, लोग 1962 के कागज कहाँ से लाएंगे, तो कांग्रेस ने बोला ना, कांग्रेस ने तो सवाल उठाया है नीति पे, कांग्रेस ने किसी चीज पे सवाल नहीं उठाया। इस चीज को जो बार बार कहा जाता है
मैं आपसे पुनः कह, कांग्रेस की किसी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस की किसी नेता ने यदि कहा है इस तरह की बातें, हमने एनआरसी की खामियों को गिनाए हैं। पहली बात इसको क्लियर समझ लीजिएगा, हमने जनसंख्या नियंत्रण की कानून की जो खामियां हैं उसको हम ये कह रहे हैं। आपने 8 साल से आप मान्यवर केंद्र में हैं, आप 4.5 साल से आप राज्य में हैं, 2/3 से आपके पास बहुमत जनता ने दिया है, यही तो पूछा जा रही है। सितंबर अक्टूबर चुनाव से 1 महीने पहले का इंतजार क्यों किया गया, ये तो पूछा जाएगा ना कि आपसे आप इसको 2 साल पहले भी तो ला सकते थे, 3 साल पहले भी ला सकते थे, यही तो आपसे भटनागर साहब पूछा गया है। ये मैंने ये सवाल पूछा है कि बहुत अच्छा है, और आपको भी लगता है कि भाई जनसंख्या 4 साल में तो जनसंख्या और बड़ी होगी ना 4.5 सालों में, यदि ये आवश्यक था है, लेकिन आप इसको पहले लाते तो हम स्वागत करते। ठीक है, भटनागर साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं बटोला साहब, लेकिन एक एक सवाल सा छोटा सा मैं आपसे ये भी इसमें ऐड कर रहा हूं बटोला साहब, कि अगर कानून कुछ ऐसा बनाया जाए कि रोजगार की व्यवस्था, जैसे कि सरकारी नौकरियों में उनका प्रावधान खत्म हो, या फिर चुनाव लड़ने की उनको लेकर कोई रोक लगे, क्या लग रहा है कि इस तरह के प्रावधान होने चाहिए या फिर ये गलत होगा? मैं आपसे कई बार से केंद्र सरकार इस कानून को बनाते ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर राज्य सरकार ने बनाया है, आप कह रहे नौकरियां कर रही सरकार, सरकार नौकरियां रखी किसको, जिसके पास एक बच्चा उसकी भी नौकरी लग रही क्या? सारे वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मैं थोड़ा सा बेहतर था कि हमारे दर्शक समझे, वो भी समझ सके इस बात को लेकर। इसलिए बात तो तब होगी मान्यवर जब कुछ चीज सरकारी जॉब मिल रहा होगा तो जॉब मिलेगा ना, जिनके 1 और 2 बच्चे उन्हें आज जॉब मिल रहा है, आज जब सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही, मैं यही तो पूछता था कि आपके मंत्री के भतीजे तो नौकरी लग जाते हैं दरवाजे के पीछे से, छोड़ दिया सर उन्होंने फिर बाद में, हालांकि उस पर बहुत विवाद हुआ था, वो तस्वीरें हमने दिखाई, बहुत विवाद उनको लेकर हुआ। भटनागर जी का रुख कर लेता हूँ, ठीक है सर बटोला साहब, मैं आऊंगा फिर से आपके पास, मैं पूरी बात कर दूं, मैं पूरी बात कर जी जी भटनागर से, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 37 PSU भेज दिए, देश के अंदर सरकारी जॉब कहाँ निकल रही, आप भी देख रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, लोगों की प्राइवेट नौकरियां चलेगी। हाँ ये जरूर है कि कानून नियंत्रण के लिए मजबूत कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मजबूत कानून बने, इसका हम स्वागत करते हैं, हम कह ही रहे कि बनना चाहिए, इसमें कहां मना कर, लेकिन आप इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखने की बात करें, इसको इस तरह के लिए जो भाजपा का नेता रहा, सरकार का जुमलों की सरकार है, जुमले फेंकने में माहिर है, ये केवल नहीं फेंक सकती है। दिग्विजय सिंह ने भी ये बयान दिए सर, और बल्कि आपके केंद्रीय नेतृत्व से बहुत बयान आए थे उस वक्त, हमें याद है काफी बयान उस वक्त आए थे, और दिग्विजय सिंह तो लगातार इस तरीके से हमला करते रहे, हाल ही में जो उनके बयान आए 2 दिन पहले भी हम बात करें, लेकिन भटनागर जी तमाम तरह की बातें उन्होंने कही कि आप 2016 में ये नीति खत्म हो गई थी, 2016 से लेकर 21 तक का इंतजार। देखिए हर चीज का ना, देखिए कोई भी चीज होती है लाने के लिए पूरा ड्राफ्टिंग होती है, पूरी लाई जाती है, ऐसे नहीं है कि आप लाए हवा में खत्म कर दिया, आप कानून तो लाए उसे अमल कैसे करेंगे, सख्ती से पालन कैसे करना है, उसका पैराग्राफ क्या है, वो पूरी जनता पे निर्भर करता है, उस पे हानि है, नुकसान है, फायदा है। अभी तो सर नीति की बात है ना, कि कानून को तो लेकर अभी तो स्थिति भी स्पष्ट है नहीं, इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, लेकिन जो कानून की बल्कि नीति की हम बात करें, जो कि हर सरकार राज्य सरकार बनाती है, तो नीतियों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 2016 में हमारी नीति खत्म हो गई थी, समय को खत्म हो गया था, ऐसे में वो 4-5 साल का जो वक्त बीच में रहा, क्या लग रहा है कि सरकार ने यहां पर देरी की? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो चीजें लानी होती है वो अपने समय पर लाई जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आप 16 की, जो 2016 की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक ड्राफ्ट जो एक जो पुराना था उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें, केंद्र से लेकर राज्य तक और जितने उच्च अधिकारी बैठे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, सबकी एक मशवरा होता है, सबका सिस्टम होता है, लगाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, ऐसा समय छोड़ना है। बटोला जी ने तो उठाया और कांग्रेस ने तो मुंह खोला और फट से बोल दिया कि भाई चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के टाइम ही अभी याद आ रही है। अरे हानि और फायदे का सोचते होते तो लाते क्यों, हम भी टाल देते, झूठ क्या, 5-7 महीने कार्यकाल रह रहा है, सरकार आएगी तो देख लेंगे, नहीं आएगी तो उसके बाद कार्यकाल जो दूसरा देखेगा, मगर सोचा तो नहीं ना आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए चीज को सोचा और अमल करने के लिए उसको पूरा टाइम लिया और लाया गया, करा भी, प्रदेश की जनता को फायदा मिलेगा तभी इन चीजों में टाइम लगा। नहीं देखिए सरकार कदम उठाती है, कदम उठाते क्योंकि लोग चाहते हैं कि जनसंख्या खत्म हो, जनसंख्या थोड़ी कम हो, ये सबकी मंशा है, किसी की भी हम बात करें, लेकिन इतना साफ है कि अगर जनसंख्या को लेकर ऐसा कोई कानून बना
दो बच्चों से ज्यादा ऊपर अगर होता है उसको लेकर कोई सख्ती की गई, जिस तरीके की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा, सरकारी नौकरियों में प्रावधान नहीं मिल पाएगा, या इस तरह का और कोई प्रावधान होता है, तो इसमें बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान होगा, खासतौर में उत्तर प्रदेश में साफ है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के प्रावधान की जरूरत है, ये वक्त की मांग है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि भारत के लिए, इस देश के लिए जो भी कानून फायदे और लाभ के लिए होगा उसको लाएंगे और करेंगे भी। मैं तो ये पूछा जाता हूँ विपक्षियों से, आज तक इन्होंने किस कानून को लाने के लिए आगे बढ़ चढ़ के आंदोलन कराओ कि भारत के लिए ये विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए, जनता के हित के लिए ये कानून बनना चाहिए, ये कानून आना चाहिए? ये आज कौन सड़क पे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, किन चीजों की बातें करते हैं? नहीं भटनागर जी, मेरा सवाल ये थोड़ा समझने की, ताकि दर्शक भी समझे कि अगर ऐसी कोई सख्ती की जाए कि भाई आपको सरकारी नौकरी में प्रावधान नहीं होगा या इस तरह का कुछ, क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं कि इस तरह की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए इसमें है बिल्कुल, दो से ज्यादा बच्चे होंगे सरकारी नौकरी से वंचित रहेगा, बिल्कुल रहेगा, उसमें राशन में भी कटौती है, बहुत सुविधाओं में कटौती है, हॉस्पिटलाइज में जितने भी बहुत चीजों में कटौतियां हैं, और बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो बिल्कुल जीरो है, उन चीजों को करना पड़ेगा ठीक। जनता को लाइन में लाने के लिए सख्ती भी जरूरी है। देखिए आदरणीय मोहित जी, आप देख रहे हैं भारतवर्ष के अंदर जो बड़े प्रदेश हैं, जो राजधानियां हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, हम कभी चिंता नहीं करते, हम कभी नहीं बोलते। जो पर्यावरण जो विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण चिंतक हैं, हम टीवी पे आते हैं, हम उन्हें सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, सही बात। यानी कि सख्ती की आप सख्ती से सहमत हैं, लेकिन बटोला साहब मैं आपका रुख करूंगा, भटनागर जी अपनी बात भी पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बटोला साहब आप क्या सहमत हैं कि सख्ती इस स्तर की होनी चाहिए जिसका असर भी दिखे? जी सख्ती तो इस स्तर की, इन्होंने कहा कि हम कई चीजों से वंचित कर रहे हैं, मैं इनके एक चीज से कर नहीं देंगे सर। मेरा सवाल है कि आप सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, वो तो मैं पहले वर्जन में अपने कह चुका हूँ कि निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन राजनीति का सुपागा नहीं होना चाहिए, ये केवल और केवल एक जुमला नहीं होना चाहिए। सरकार के मैंने पहले भी स्वागत किया था, लेकिन इन दो तीन चीजों पे आपत्ति है। मैंने पहले भी कहा कि सरकार अच्छी मंशा होती तो सरकार इसको 2017-18 में लाती तो बहुत अच्छा होता। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, मैं इस चीज पे आपत्ति करता हूँ, इन्होंने कहा बहुत चीजों, अरे कानून इतना मजबूत बनाया जाए कि दो बच्चों से ज्यादा कोई पैदा ही ना करे। जिसने सोच लिया मैंने पॉपुलेशन बढ़ानी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, मुझे तो वो एक आदमी तो इसलिए बच्चे पैदा नहीं करेगा, सुविधाएं देखनी देखूंगा मैं किसलिए कर, जिनको सुविधाएं नहीं चाहिए, जो लोग संपन्न है वो तो उस हिसाब से एक लोग जिन्होंने पॉपुलेशन बढ़ानी वो तो कह देगा बढ़ाते रहो। कानून ऐसा हो कि दो से ज्यादा पैदा, जैसे चाइना में उस कानून को क्यों नहीं लाती? वहाँ पर फिलहाल अब ढील दी जा रही है क्योंकि वहाँ पर युवाओं की जनसंख्या कम हो रही है और बुजुर्गों की बढ़ रही है। आपका करना चाहूंगा, चीन का जैसे कि उन्होंने जिक्र किया, तो चीन की तरह अगर कोई नीति बनाई जा रही है तो हमें उसके परिणाम जो दुष्परिणाम है वो भी याद रखने चाहिए। मैं मोहित जी, मैं थोड़ा सा चीजें बता दूं बटोला जी को कि भारत जो देश है पूरे विश्व में सबसे युवा देशों में है। अगर युवा आगे आएगा, उनको रोजगार मिलेगा, चाहे स्वयं रोजगार मिलेगा तो तभी मिलेगा जो चीजों को हमें अपने कटौती भी करनी पड़ेगी। जैसे गरीब परिवार अपना पेट काट के अपने बच्चों को पालता है, गरीब परिवार दो रोटी के बजाय एक रोटी खा के पालन पोषण करता है, उस चीजों को दूरी करने के लिए हमें भी कुछ चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, उसके फिर नतीजे भी दिखे, ये भी जरूरत है। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कोशिश ये थी कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर नीति बनाई जा रही है, कानून की बातें चल रही है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है और कितनी जरूरत है ये जो वक्त अभी है इस कानून की कितनी मांग करता है, इन तमाम चीजों को लेकर हमने चर्चा करने की कोशिश की। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।